बहुत कुछ। ये हमारे जो सौंदर्य और आकर्षण करने वाली माया है, वह माया ही रूप लेकर के रुक्मिणी का यहां पर व्यक्तित्व है। अगर माया के सम्मोहन में सारा जगत सम्मूर्छित है, तो रुक्मिणी के उस सौंदर्य की झांकी में हमारे राजागण मोहित हो जाएं, तो क्या आश्चर्य है। बिलोक के वीरा मुमुहु समागता। इसी के साथ सबके देखते देखते वो देख रही है, चल भी रही है धीरे धीरे, और इसी के साथ देख रही है, दिखाई पड़े कृष्ण। कृष्ण ने कहा, मैं तुझे देख रहा हूं, और देर नहीं लगाई उसको उठा करके अपनी माया को, अपनी है ना माया, ठगिनी साधु हम जानी, माया ठगिनी सबके लिए, लेकिन माया को ही आज मायापति ने ठग लिया। बड़ी अच्छी बात स्वामी जी ने स्वर के साथ बताई, तेषाम अहम समुद्धरता, जो माया के अधीन है उनका सबका मैं उद्धार कर सकता हूं, उद्धार कर देता हूं। तो उस माया को उन्होंने उठा लिया और उठा करके रथ में रख दिया। ये लौकिक कहानी बड़ी ही सांकेतिक कहानी है, और इसी के साथ रथ चल रहा है, और जिनके मन चल रहे थे रुक्मिणी के प्रति, लड़खड़ाने लगे, उनका संतुलन टूटा। रुक्मी जो इस पूरी व्यवस्था के विरोध में खड़ा था, छटपटा उठा, लेकिन कृष्ण की तेजस्विता, कृष्ण का पराक्रम, हमने सबने तो मुरली मनोहर ही सुना है। कृष्ण की जब याद करते हैं तो केवल मुरली मनोहर, वह और भी कुछ है। इतना दुर्धर्ष है कि संपूर्ण आयुध का बल, संपूर्ण विश्व का पराक्रम, उस सब को वह एक साथ अपनी कटाक्ष से धराशायी कर देता है। ऐसा वो महावीर, ऐसा वो महायोद्धा, उसको हम महायोद्धा के रूप में भी देखें। व्यवहार के तल पर चलने वाले, व्यवहार की भूमिका में संदेश देने वाले कृष्ण को हम पूरे कृष्ण के रूप में देखें। सिर्फ रसिया और सिर्फ बाल कृष्ण में ही हम अपने आप को थोड़ा सा संकुचित न कर दें। हुआ जैसा कि शुरू में कहा, सांप्रदायिक व्यवस्था से हमारी भोली भाली जनता को बहुत गुमराह कर दिया गया, ऐसा ही हुआ, और हम गुमराह होते भी रहे। नहीं, हमें खुशी है, गौरव है आप पर कि हमारे सामने आसपास बैठे हुए आप लोग बिल्कुल सही राह में हैं, गुमराह नहीं है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, संपूर्ण जो योद्धाओं का बल था वो पराजित हुआ, बलराम जी भी आए हुए थे, इसलिए कि जाऊं, छोटा भाई गया है ना, जानते तो सब है लेकिन फिर भी गए। ध्यान दें, द्वारका में भगवान पहुंचे, और इसी के साथ अब विधिवत शादी की तैयारी होने लगी, बाजे बजने लगे, द्वारका के घरों से लोग उस शादी में शामिल होने के लिए
कुछ अकेले और कुछ समुदाय के साथ आने लगे और इसी के साथ द्वारका में आज संत जन भी आशीर्वाद देने के लिए और उस मधुमयी क्षण को निरखने के लिए जहाँ पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो रहा हो उस मंगलमय समय में अपने आप को उपस्थित कराने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसी क्रम में हमारे स्वामी शिवानंद आश्रम से परम श्रद्धेय परम